हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। सो आज का वीडियो लेक्चर जो है बेसिकली हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ज्योग्राफी के सिलेबस को। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमको आखिर एक्चुअल में एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं कि जून में नोटिफिकेशन आउट होगा और अगस्त और सितंबर में एग्जाम भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। फर्स्टली आप देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस जो है एसएससी सीजीएल के लिए, उसके टॉपिक जो है वो मैंने पीडीएफ में फुल टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, आप ये क्लियरली देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है सोलर सिस्टम, ओके। सेकेंड इज द अर्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सिस्टम। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं सोलर सिस्टम टॉपिक को। तो आपको मैं ये देखिए, ये पीडीएफ से आप पूरा कंटेंट जो है नोट कर लीजिए, कॉपी पेन के साथ में बैठिए। ठीक है, एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगी, इसमें आपके पूरा सिलेबस सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या? अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिंग टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इसको किस तरीके से इमेजिन किया गया है? जैसे कि नदी में बहता हुआ पानी, इस तरीके से लाइट जो है फ्लो हो रही है स्काई में। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? आकाश गंगा। क्लियर ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सन एट द सेंटर। सेंटर में सन है, ठीक है, सोलर सिस्टम में। एट द एट प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स दैट रिवॉल्व इट, जो इसके चारों तरफ घूमते हैं ब्रह्मांड में। ओके, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, मीन्स दैट इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, ठीक है, सन और इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, वो उसी आकर्षण के द्वारा ही ये सारे ब्रह्मांड में अपनी गति पर घूमते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड टेलेस्टियल बॉडीज, मीन दैट सन, सूर्य, चंद्रमा और तारे जो हैं, जो आसमान में चमकते हैं नाइट में, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? टेलेस्टियल बॉडीज, मीन्स दैट खगोलीय पिंड। ओके, मैं लिख देती हूँ यहां पर, टेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। ओके, इतना क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट वॉज इमेजिंग टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सन एट द सेंटर एंड द एट प्लैनेट, मून्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, एस्टर। ठीक है, ये पॉइंट इतने क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, मीन दैट स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो स्टडी की जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मीन दैट ब्रह्मांड विज्ञान। ओके, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एमसीक्यू का क्वेश्चन है, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज बीन एस्टिमेटेड टू अबाउट, देखिए सोलर सिस्टम का साइज जो है वो अप्रोक्स, आप अगर इसको नोट करेंगे तो ये एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप इसको मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एट प्लैनेट्स नेम
namely the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune revolve around the sun. ये सभी जो planets हैं, ठीक है, ये planets हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं एक ऑर्बिट में. ठीक है, पॉइंट क्लियर है इतना. प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट. प्लूटो जो है वो एक बौना ग्रह है. नेक्स्ट, द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. मीन्स दैट अगर बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने की, तो यूनिट क्या है उस लेंथ को मेजर करने के लिए? लाइट ईयर. क्लियर है इतना. लाइट ईयर से लेंथ मेजर की जाती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सन. ठीक है, सन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन को अगर आप देखेंगे तो ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है. ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. ये पॉइंट तो सभी को पता है कि ये एक अल्टीमेट सोर्स है हीट की सोलर सिस्टम में. हीट एंड लाइट, हीट भी काफी ज्यादा है सन में और लाइट भी प्रोवाइड करता है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अगर इसके डिस्टेंस को देखते हैं हम अर्थ से, तो इसका डिस्टेंस कितना है? सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 150 मिलियन. ओके, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, लाइट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन. नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं? हीलियम एंड हाइड्रोजन. ओके, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन. यहां तक का पॉइंट्स क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करा दूं. देखिए कितना क्लियर किया है अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. मैं आपको अगेन एंड अगेन इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ ये पॉइंट्स याद हो जाए और आप साथ के साथ इनको नोट भी कर लीजिए. ओके, सो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. ठीक है, सोलर सिस्टम, और इसको आकाशगंगा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये लाइट जो फ्लो हो रही है वो एक रिवर की तरह फ्लो हो रही है इसका एक. ठीक है, तो इसको नाम दिया गया आकाशगंगा. नेक्स्ट, अ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सन एट द सेंटर. सेंटर में सन है सोलर सिस्टम के. ठीक है, और एट प्लैनेट्स जो है मून्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेरॉयड्स, ये सभी जो है उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो इनके रिवॉल्विंग का काम करता है. ओके, जिसकी वजह से ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं अपनी कक्षाओं में. नेक्स्ट, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडी. ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए जल्दी से. ओके, आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर. देखिए सन में यहां पर इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर. ठीक है, एंड द सोलर एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर. इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो विजिबल सरफेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोस्फेयर. ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर. इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन. ये विजिबल सरफेस है. ठीक है, ये अलग ही लाइटिंग बॉल की तरह दिखता है.
द कोर इज एट द सेंटर ऑफ द सन, ये हो गया सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे कोर, इट इज द हॉटेस्ट रीजन कोर, ठीक है, कोर जो है वो सन के सेंटर में है, सेंटर पार्ट है, और जो काफी हॉटेस्ट रीजन होता है वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस टू गिव द सन पावर, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है और जो सन को पावर देता है, ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ सन एटमोस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस इज कॉल्ड कोरोना, मीन्स दैट ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलेंगे कोरोना, ठीक है, मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस, कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। देखिए तो इतना आपको समझ में आया, सन का जो ये इनर पार्ट है, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं, जो काफी हॉटेस्ट रीजन है, एंड अगर बात करें हम इसके आउटर पार्ट की तो इसको हम बोलेंगे कोरोना, और ये कब विजिबल होता है, ग्रहण के टाइम में, ठीक है, एक और भी है टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सरफेस टेम्परेचर है और ये सन के अराउंड जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए आप, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, सन से रिलेटेड पॉइंट, देखिए सन इज द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में जो है सन होता है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है ये, ठीक है, और अल्टीमेट लाइट प्रोवाइड करता है, द सन इज द अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर हम अर्थ से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, लाइट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में जो टाइमिंग लगती है वो है 8.5 मिनट। नेक्स्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन, सन में जो मेन गैसेस जो प्रेजेंट होती है वो है हीलियम एंड हाइड्रोजन, ओके दैट्स क्लियर, बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर वाला पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया, देखिए बाउंड्री जो है सन इंटीरियर की और सोलर एटमोस्फेयर की, देखिए ये जैसे कि सोलर एटमोस्फेयर है, ठीक है, और ये है सन, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फोटोस्फेयर, इस बाउंड्री को बोलेंगे फोटोस्फेयर, ठीक है, इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, विजिबल सरफेस है ये सन का, बॉल मतलब लाइट की तरह एक बॉल सी दिखती है और ये विजिबल सरफेस है, इजीली दिखेगा, द कोर इज एट द सेंटर ऑफ द सन, जो इसका सेंटर पार्ट है ये होगा कोर, वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस टू गिव द सन पावर, द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमोस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस इज कॉल्ड कोरोना, मतलब एक पतली गर्म गैसों की सतह होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दिया गया है और ये है सेक्टर, ठीक है, आज का जो टॉपिक जो है हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी प्लेन, ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।